हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड आई जस्ट होप यू ऑल लाइक माय वीडियो। इस वीडियो में मैं आज आपको 8 से 9 साल की बच्ची के लिए एक डिज़ाइनर अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये फ्रॉक के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, ये 2 मीटर कपड़ा है, एकदम प्लेन, और ये मैंने अपना पुराना ही दुपट्टा ले लिया है। आप भी कोई ऐसा कपड़ा या पुराना दुपट्टा ले सकते हैं। ये मैंने अपनी छोटी बहन के हिसाब से सारा मेजरमेंट लिख लिया है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसी फ्रॉक से एक दूसरी डिजाइनर फ्रॉक कैसे तैयार होती है वो बताऊंगी। डिजाइन थोड़ी अलग हो जाएगी पर मेथड सेम रहेगी और एक दूसरी डिजाइनर फ्रॉक तैयार हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कपड़े को हम जमा लेंगे, कोने से कोना मिला के इसे इस तरह फोल्ड करके अच्छे से जमाएंगे। इस कोने को उस कोने के नीचे लेके जाएंगे, इस कोने के नीचे, और ट्रायंगल में जमा लेंगे। अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट हो गया है। हमारी वेस्ट साइज 14 इंच है और इसका हाफ इंच 7 इंच लेंगे और लेंथ 24 इंच लेंगे। इसमें हम 9 इंच की चौड़ी अटैच करेंगे तो कुल लेंथ हो जाएगी 33 इंच। जहां पे हम 7 आएगा वहां पे हम निशान लगा देंगे इस तरीके से और एक लाइन खींच देंगे। कमर से हम नाप लेंगे और 24 इंच पे निशान लगा देंगे। इस तरफ भी कमर से हम नाप लेंगे, 24 इंच पर ही निशान लगाएंगे। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, पर वहां से भी मैं 24 इंच पर ही निशान लगा रही हूं। इस तरह टेप को सरका के हम 24 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। 1 इंच कम या ज्यादा भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। सारे निशान को हम मिला देंगे तो एक गोलाई बनेगी। इस तरीके से निशान मिला दिए हैं, ये निशान लगा दिया है और इसे कट भी कर दिया है। मैंने अपने नाप के हिसाब से चोली काट ली है। अब हम चोली के नेक की पट्टी काटेंगे। इसके लिए हम एक कपड़ा रखेंगे फोल्ड करके, उसके ऊपर अपनी चोली रखेंगे और उस पर अपने नेक का निशान लगाएंगे। ये निशान लगा लिया है। अब हम इस निशान को काट देंगे। निशान के 2 इंच नीचे से फिर से काटेंगे एकदम गोलाई में, जैसे कि पहले काटा, ताकि एक पट्टी बन जाए। अनयूजल हिस्सा काट देंगे, एक पट्टी बन चुकी है। अब हम अपने दूसरे कपड़े को जैसे कि एक कुर्ती काटते हैं उसी तरह सेट करेंगे, दोनों कोनों मिला के और चोली रख के बिल्कुल चोली की साइज जितना ही निशान लगाएंगे और शोल्डर लाइन से 1 इंच ज्यादा निशान लगाएंगे।
जो 1 इंच हमने ज़्यादा निशान लगाया है वहाँ पे टेप रख के पूरी लंबी लाइन खींच लेंगे और उसको सीधा सीधा ही काटेंगे। ये देखिए, ये निशान लगा दिया है मैंने, पूरी लंबी लाइन खींच ली है और ये मैंने लंबाई का निशान लगाया है। हम अम्ब्रेला फ्रॉक से थोड़ा छोटा रखेंगे, आप बड़ा भी रख सकते हैं या उसके बराबर भी रख सकते हैं। इस तरीके से ये कटिंग हो जाएगी और ये ऐसे आएगा। हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चोली की पट्टी जोड़ेंगे, नेक की पट्टी। इसको जोड़ने के लिए पहले हम पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद हम नेक के सीधे साइड पर, चोली के सीधे साइड पर पट्टी को ऐसे रखेंगे और फिर से सिलाई लगा देंगे। ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से स्लीव्स पर भी हम ऐसे ही पट्टी जोड़ लेंगे। मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया है इसलिए मुझे जोड़ना पड़ रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं तो आप उसी कपड़े को मोड़ सकते हैं। जैसे कि गले की पट्टी जुड़ी है वैसे ही स्लीव्स की भी इसे जुड़ जाएगी और इसे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, मैंने जोड़ ली है पट्टी। ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हम इसको बैक साइड पे ऐसे मोड़ेंगे उल्टी साइड पर, ताकि फ्रंट से ये एकदम क्लीन आए। इस तरीके से मोड़ के हम सिलाई लगा लेंगे या तुरपाई कर लेंगे। पीछे से हम इस तरीके से मोड़ेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इस पे मैं तुरपाई कर लूंगी। तुरपाई में ज्यादा फिनिशिंग आती है, आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। देखिए, मैंने तुरपाई कर ली है। अब हम अम्ब्रेला फ्रॉक का घेरा रखेंगे। घेरे का फ्रंट साइड हम रखेंगे, इसके ऊपर चोली का जो उल्टा साइड है वो रखेंगे। ये उल्टा साइड है चोली का, उल्टे साइड से जोड़ेंगे तो वो सीधी आएगी। ऐसे जोड़ देंगे और सिलाई लगा देंगे तो इस तरीके से सीधी आ जाएगी। चोली के दोनों कोनों को मिला के हम बीच में एक निशान लगा लेंगे। ऐसे निशान लगा लेंगे ताकि घेरे का सेंटर और चोली का सेंटर एकदम सेम आए और कपड़ा यहाँ वहाँ ना हो। इसलिए हम दोनों को ऐसे सेंटर में रख के जोड़ देंगे, सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ये सिलाई लगाने के बाद आएगा। ये जो डिज़ाइन के लिए हमने काटा था ये इस तरह से दिखेगा। इसका गला भी मैंने चोली के जैसा ही बना लिया है। अब जो 1 इंच हमने ज़्यादा लिया था उसे हम इस तरीके से मोड़ेंगे। मोड़ना पड़ता है इसलिए हमने 1 इंच ज़्यादा लिया है। ऐसे तीनों तरफ से हम मोड़ देंगे। ये मैंने मोड़ दिया है और सिलाई लगा दी है। हम अपने अम्ब्रेला फ्रॉक के ऊपर इसको रख के, अम्ब्रेला फ्रॉक का ये फ्रंट साइड है, अभी मैंने दोनों को जोड़ा नहीं है। अब इसके ऊपर इस डिजाइनर को रख के इसे शोल्डर से और नेक से जोड़ दूंगी और तीनों तरफ से मैं अभी बाद में जोड़ूंगी। पहले मैं शोल्डर और नेक से अटैच कर लूंगी दोनों को। डिज़ाइन बनाने के लिए मैं ये लूप्स काट लूंगी।
पट्टी मैंने पहले से बनाई है, इसके लिए मैं अपने हिसाब से कितने भी आपको लंबाई की चाहिए उतने मैं लूप्स काट लूँगी। देखिए ये मैंने जोड़ दिया है, ये ऐसे दिखेगा जोड़ने के बाद। इसके ऊपर अब मैं लेस लगाऊंगी और फिर लेस के अंदर लूप्स को अटैच करूंगी। आप चाहें तो आप पहले भी लेस को लगा सकते हैं, पर जो अम्ब्रेला फ्रॉक का जो फिटिंग है उसी के हिसाब से हमें इसे मोड़ना पड़ता है। अगर कम या ज़्यादा हो गया तो वो ठीक नहीं होगा। इस तरीके से हम लेस के नीचे रख के लूप्स को लगाएंगे और दोनों तरफ से अटैच कर देंगे। इस तरीके से ये दिखेगा लेस लगने के बाद। अब मैं ऊपर से चोली तक इसे अटैच कर दूंगी और नीचे से अटैच नहीं करूंगी। आप चाहें तो नीचे से भी अटैच कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ चोली तक अटैच करूंगी, शोल्डर से चोली। ये देखिए ऐसा दिखेगा अटैच करने के बाद। अब मैं दोनों सिरों को रख के ये फ्रंट के ऊपर हम फ्रंट ही रखेंगे। जैसे मैंने आपको इसमें करके दिखाया वैसे मैंने इसके बैक पर भी किया है, और हम दोनों को अब जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये ऐसा आएगा। दोनों को यू रख के पहले शोल्डर लाइन जोड़ेंगे, फिर आर्म होल से हम नीचे तक सिलाई, फिटिंग की सिलाई लगा देंगे ऐसे, और नीचे से भी घेरे को भी मोड़ लेंगे। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये तैयार हो गया है, ये इसका घेरा है और ये डिज़ाइन है। लूप्स में हम बद्दी को अटैच कर लेंगे और लटकन भी लगा लेंगे। ये एक डिज़ाइनर फ्रॉक तैयार हो गई है। मैंने इसे पूरा अटैच नहीं किया है वाइट कपड़े को, अगर आप चाहें तो पूरा अटैच कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि इसी फ्रॉक से दूसरी डिज़ाइन की फ्रॉक कैसे सिलती है। ये जैसी अम्ब्रेला फ्रॉक मैंने आपको बताई वैसी है, बस इसकी जो कोटी है वो मैंने अटैच नहीं की है और इसमें मैंने हुक लगाए हैं, लूप्स नहीं। उस वाले वाइट कपड़े में मैंने आर्म होल नहीं बनाए थे, पर इसमें मैंने आर्म होल बनाए हैं और आर्म होल से नीचे तक एक सीधी ही लकीर खींच के कटिंग की है, जैसे कि उसमें की थी। उसमें मैंने नेक लाइन से काटा था, इसमें मैंने शोल्डर लाइन से कट किया है। इस तरीके से आप इसे हटाकर भी अम्ब्रेला फ्रॉक पहन सकते हैं, ये अटैच नहीं है। ये हुक से अटैच होगा। इस तरीके से ये नई फ्रॉक बनती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।